Good morning to all. This is J.J. Nanjri Parekh, Faculty of Education and Methodology, Department of Fashion Design. Today we'll be discussing about the consumer behavior buying decision in regards to visual merchandising. Earlier we have done visual merchandising and how what are the types of it and the elements. Today we'll be discussing about the consumer influence regarding the visual merchandising. I will share my screen with you. If we talk about the consumer buying decision, visual merchandising plays a very important role to increase the sale and to enhance the look of a product. There are various factors that influence a consumer decision to purchase something, from their lifestyle to how a product looks. Marketers study consumer behavior so that they can sell product that customer want to buy. Marketer वो product sell करता है जो कि customer को चाहिए होगा. अगर customer को कोई चीज चाहिए ही नहीं है वो वाली particular चीज, तो आप उसको sell करके करेंगे क्या? वो तो हम सब loss में चले जाएंगे. तो हम लोग हमेशा target customer के हिसाब से ही हमारा product को develop करते हैं. पहले हम लोग ये choose करते हैं कि हमें क्या sell करना है, क्या market में need है. सप्लाई और डिमांड के हिसाब से हम चीज को सप्लाई करते हैं. वी मस्ट पुल नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स. उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे फोकस करना होता है, जो कि है साइकोलॉजिकली ही, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के हिसाब से. कि अगर आप बहुत महंगा प्रोडक्ट बना देते हैं और आपका जो कंज्यूमर एरिया है, जो टारगेट कंज्यूमर है, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करके करेंगे क्या? अगर फरारी आप किसी विलेज में जाके सेल करेंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ कोई ले नहीं सकता, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है. तो फिर हम लोग हमेशा टारगेट कस्टमर के माइंड में रख के ही हमारे बाकी सारी चीज़ों को सेल करते हैं. और साइकोलॉजिकल बिहेवियर देखा जाता है कि अगर कोई रूरल एरिया है तो उसमें हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस को ना प्रेफर करके लॉन्ग ड्रेसेस को देखेंगे, क्योंकि वहाँ की साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसा होता है कि वो लोग उन वाली ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. हर जगह का अपना साइकोलॉजी होता है और उसके हिसाब से लोग रहना करते हैं. एज अ सप्लायर यू कैन लर्न द फैक्टर दैट प्रॉम्प्ट द पर्सन टू ट्राई अ न्यू ब्रांड और बाय एन आइटम ऑन एन इम्पल्स एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिजाइन एन इफेक्टिव बेवरेज डिस्प्ले. This chapter explores the consumer behavior and the power of visual merchandising to help you determine what makes your customer pick a product off the shelf. If you need help designing an eye-catching display, please contact the creative displays now. Factor that influence consumer purchasing decision. Shopping seems like a simple process. Consumer recognize a need and then go to a store to buy items that fill that need. कंज्यूमर वही चीज लेने जाता है जिसकी उसे नीड होती है, और फिर उसके बाद में वो स्टोर में जाएगा और अपनी जो भी उसकी नीड है उसको फुलफिल करेगा. हाउएवर डिसाइडिंग टू बाय समथिंग इज नॉट मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंप्लीफाई फिलिंग एंड नीड. बट जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं और कि हमें क्या परचेज करना है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर टू फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर ब्रांड और एनी पर्टिकुलर स्टोर. Customer may not be aware of the factor that urged them to make a purchase, such as stores, atmosphere or their cultural background. Marketers, on the other hand, must recognize the subconscious driver that encourage people to shop. Using these insights, marketers can design impactful displays and show how a product meets customer specific needs and adds value to their lives. Basically, कोई भी store जो है वो अपना डिस्प्ले इस तरीके का करता है कि वो डायरेक्टली एक मैसेज कस्टमर को भेज रहा है. उसमें वो क्या करेगा कि कुछ भी इतना क्रिएटिव डिजाइन करेगा, जैसे कि अगर वो लोग सेल कर रहे हैं समर ड्रेसेस. अब समर ड्रेसेस में अगर आप गोवा वाले एरिया में देखें तो वो लोग ट्रॉपिकल प्रिंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, या फिर उस एरिया में आप वो वाले प्रिंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे स्पेशली समर सीजन में. तो वहाँ क्या होगा कि जब आप अपने स्टोर पे ऐसा कुछ डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर को पता होगा कि उसे जो लेना है वो इस पर्टिकुलर स्टोर पे मिलेगा, तो दे विल डायरेक्टली स्विच टू दैट स्टोर. दिस हेल्प्स इन गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. देन उसके बाद में हम बात करते हैं फिर लेआउट की. तो स्टोर लेआउट इज केयरफुली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट बाइंग.
For example, retailer place item next to checkout lines to receive greater attention and encourage impulse buys. Store also put displays in high traffic area to ensure they grab customers' attention as they move through the store. According to the Hawkins study, impulse buying theory, external stimuli such as strategically placed displays come impact consumer. Impulse control are not related to traditional decision making. जब भी हम कोई अच्छा लेआउट डिस्प्ले करते हैं तो वो जो हमारे कस्टमर है उसका अटेंशन ग्रैब करने में हमारे को हेल्प करता है. इससे क्या होता है, हमारा जो स्टिमुलाई है वो जनरेट होता है टूवर्ड दैट प्रोडक्ट. और जब हमें वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो भले ही हमें उसके आसपास की चीज़ें नहीं भी लेनी हो तो भी एक कस्टमर के माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि और क्या क्या अवेलेबल है. और कभी कभी अगर उसकी परचेज इंटेंशन वो नहीं भी हो तो भी वो क्रिएट कर दी जाती है किसके हेल्प से, विजुअल ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और एनहांस्ड होता है. इसके अलावा जो भी स्टोर है उसका लेआउट हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जो हाई ट्रैफिक एरियाज हैं, मतलब जब हम किसी भी स्टोर में आगे जाते हैं तो बेसिकली कुछ एरिया ऐसा वो लोग बनाते हैं जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे, तो वहाँ जो डिस्प्ले होगा वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत लोगों के आईज में आएंगी और लोग उसे लेना पसंद करेंगे. लेआउट के बाद में हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर का. तो मॉडर्नाइजर यूज म्यूजिक, लाइटिंग एंड इवन सेंट टू क्रिएट एन अपीलिंग एटमॉस्फेयर एंड एनकरेज कस्टमर टू लिंगर इन द स्टोर. एंड कस्टमर स्पेंड मोर टाइम इन स्टोर, दे फाइंड एडिशनल अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड मनी. A store atmosphere can also affect what customers buy. For example, a study found that shoppers purchased more French wine than French music played in a supermarket and bought more German wine than the store played German music. Basically, हम लोग ऐसा atmosphere create कर देते हैं जो कि जो consumer है उनको बहुत ज़्यादा fascinate करे. For example, music, lighting और कई बार हम लोग scent का use भी करते हैं. To make that place more better and appealing. जब हम लोग म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ गया है कि एक फ्रेंच वाइन की शॉप पर जब उन्होंने फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया तो जो शॉपर्स थे वो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो उस म्यूजिक से रिलेट कर पा रहे थे. जब भी कोई कस्टमर उसके प्रोडक्ट के आस पास की चीज़ों से रिलेट कर पाता है तो उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है. अगर आप बात करें राजस्थान के लोगों की, तो राजस्थान के लोग ब्लॉक प्रिंटिंग या जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उनसे काफ़ी इंस्पायर रहते हैं. तो अगर उसको ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर मिले तो ही और शी विल गो देयर मोर. इसके बाद में आता है हमारे टाइम. द टाइम ऑफ द डे इम्पैक्ट्स अ पर्सन शॉपिंग डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन रन्स इनटू अ स्टोर बिटवीन बिफोर ईटिंग डिनर, दे आर मोर लाइकली टू बाय स्नैक्स ऑन द इम्पल्स टू रिलीव देयर हंगर पैंग्स. Some retailers are in tune with how buying habits change throughout the day and restock items accordingly. The day of the week also influences how much people spend in the store. For instance, if someone gets paid on a Friday, they can go shopping and spend more money than if it wasn't paid. Retailers know that customers prefer to shop after they get paid on weekends. When people typically stock up for the work week ahead, knowing this, store prepared for weekend shoppers by releasing new and new products on Tuesday and Wednesday. Finally, whether a consumer is in hurry affects what they buy. According to the Stern Simple impulse buying theory, customer might plan to buy a product on impulse, even though they aren't sure about the specifics. If they are short of time, they might pick up the time most that they appeal to the most without considering the other effects. Companies aim to make it easy for customers to shop and make quick decisions. Basically, वो ये जो भी स्टोर वाले होते हैं वो टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है और मान लो वो शाम के टाइम 8 बजे के आसपास में आ रहा है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो खाना खाकर नहीं आया होगा. तो वो अपने आसपास के एनवायरमेंट में ऐसा क्या करेंगे कि वो उस शॉप के आसपास अपनी चीज़ों को प्लेस करेंगे जहाँ पे कस्टमर का जो दूसरा काम है वो इजीली अवेल हो जाए या फिर वो इजीली वो कर पाए. तो इससे क्या होगा, उनका जो टाइम स्पैन है वो बचेगा.
अगर आप किसी के टाइम सेव कर रहे हो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस और इट इज़ वेरी मेंटली टू अश्योर दैट दे विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर. टाइम के बाद में अगर हम बात करें मूड, तो इफ यू एवर फेल्ट लाइक गोइंग ऑन शॉपिंग स्प्री और डूइंग एनीथिंग बट गोइंग टू अ स्टोर, यू नो हाउ मूड कैन इम्पैक्ट बाइंग डिसीजन. To some people, a lousy mood spoils their desire to shop. However, even if a consumer feels glum, particularly due to the financial troubles, they may spend more on sale items. During the Great Recession, Walmart and Costco saw a boost in sales of their house brand, while upscale retailers saw purchase drop. Others feel elevated mood after they hit the store, according to an article in the Journal of Academy of Marketing Science. People may engage in impulse buying to lift the negative mood and enjoy the retail therapy. Fortunately, if you are a product manufacturer, a compelling display can help you reach consumer regardless of their mood. जो mood है वो basically काफी ज़्यादा affect करता है किसी की shopping behavior. अगर बहुत ज़्यादा lousy mood होगा किसी भी seller का, तो consumer would not prefer to buy that product from their store. Instead, वो किसी बेटर इन्वायरमेंट में या बेटर मूड जहाँ पर है वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करें. इसके अलावा अगर मान लो कस्टमर का भी मूड सही नहीं है, तो वो क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे लेडीज में कहा जाता है कि अगर उनका मूड खराब है तो दिल शॉप मोर, दिल बाय मोर. तो ये भी एक आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसके बाद में उसके पास एक चांस मिल जाता है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करे. इसके बाद पर्सनालिटी इंक्लूड्स अ पर्सन्स यूनिक ट्रेट एंड डिस्क्राइब व्हाई दे बिहेव अ सर्टेन वे. किसी की भी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करती है कि वो किसी पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव कर रहा है, या फिर अगर उसका कोई बाइंग बिहेवियर है या कुछ प्रोडक्ट है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही उसे लेना पसंद करेगा. मार्केटर नो दैट पर्सन पर्सनैलिटी कैन इम्पैक्ट इम्पल्स बाइंग. मार्केटर को पता होता है कि पर्सनालिटी के हिसाब से लोग इम्पल्स बाइंग भी करते हैं. फॉर एग्जांपल, पीपल हु स्कोर हाई ऑन इम्पल्सिविटी रेट आर परहैप्स अनसरप्राइजिंगली मोर लाइकली टू परचेज आइटम्स ऑन इम्पल्स. पीपल विद मोर सेल्फ कंट्रोल ऑन द अदर हैंड आर लेस लाइकली टू इम्पल्स बाय. नेवरदलेस, कस्टमर्स स्पेंड $5,400 ऑन एवरेज परचेजिंग आइटम्स सच एज फूड, क्लोदिंग, शूज एंड हाउस होल्ड गुड्स ऑन इम्पल्स. इसमें बात कर रहे हैं इम्पल्स बाइंग की. और एक होता है स्ट्रिक्ट बाइंग, मतलब जिसमें सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है. तो जहाँ सेल्फ कंट्रोल होता है वहाँ पे लोग इतनी इम्पल्स बाइंग नहीं करते, मतलब इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं करते. बट यूजली क्या होता है, लोगों का बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर होता है. अगर वो होता है तो वो लोग ज़्यादा शॉप करना स्टार्ट कर देते हैं. इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो कम से कम $5,400 उनकी एवरेज परचेजिंग आइटम होती है किस पे, फूड, क्लोदिंग, शूज और हाउस होल्ड पर. ये किस वजह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सनैलिटी के हिसाब से. देन सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट इज हाउ अ पर्सन व्यू हिम और हरसेल्फ. पीपल हैव एन आइडियल सेल्फ और हाउ दे डिजायर टू सी देमसेल्फ. सम कस्टमर मे विश टू व्यू देमसेल्फ एज प्रीटियर एंड मोर इको कॉन्शियस. फॉर इंस्टेंस, Researchers believe consumers purchase products that make them feel closer to their ideal self. Many cosmetic companies advertise their products to appeal a shopper's perfect self. Self-concept में अगर हम लोग देखा जाए तो self-concept क्या होता है, basically हमारा जो belief होता है, हम क्या मानते हैं और हम उसी हिसाब से behave करते हैं जो हमारा मानना है. अगर मैं मानती हूँ कि मैं ecologically या फिर environment friendly हूँ, या मैं चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट को कभी खाम ना हो, ये मेरा सेल्फ कंसेप्ट है या फिर ये मेरे माइंडसेट है, तो मेरी जो बाइंग होगी वो उस प्रोडक्ट को रिलेटेड होगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे. तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी जो माइंडसेट है उसके बेसिस पे आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो दिखा रहा है. जैसे कि यूजुअली कॉस्मेटिक्स में लोग क्रुएल्टी फ्री जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसको यूज करना चाहते हैं आज के टाइम. पहले ऐसा नहीं था, बट वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उनका सेल्फ कंसेप्ट ऐसा है, उनका माइंडसेट ऐसा है. क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है तो दे फील क्लोजर टू द आइडल माइसेल्फ, कि उन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा वो रिलेट कर पाते हैं. और फिर जिस प्रोडक्ट से वो रिलेट कर पाएंगे वो उस चीज़ को बाइंग करने में दो बार सोचेंगे नहीं.
इसके बाद में आता है आपका डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन और स्टेज ऑफ लाइफ। फैक्टर्स सच एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड स्टेज ऑफ लाइफ ऑल इम्पैक्ट अ कंज्यूमर डिसीजन टू बाय समथिंग। टू इलस्ट्रेट, यंगर शॉपर्स आर मोर लाइकली टू इंपल्स बाय, व्हाइल ओल्डर शॉपर्स कैन बेटर रेगुलेट देयर इमोशंस एंड रिस्क परचेजिंग समथिंग ऑन अ व्हिम। Also, women and men tend to buy different products according to the University of Minnesota. Women influence about 2/3 of the household product purchases, while men are mostly like to buy alcoholic beverages. This is why you'll find beer commercial on sports channel and household product designed to appeal to women. इसमें क्या कह रहा है कि age, gender, income और education जो factors हैं, वो बहुत ज़्यादा effect करता है किसी भी buying में। जैसे कि अगर कोई यंग है तो वो ज़्यादा शॉपिंग, इम्पल्सिव शॉपिंग करता है, और जहाँ की हम बात करते हैं ओल्डर पीपल की, तो वो इतनी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करते, इनमें सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो वो परचेजिंग को रेजिस्ट करते हैं। अगर हम लोग विमेन और मेन की बात करें, तो विमेन की जो शॉपिंग है वो इनकम्पेरेटिवली टू मेन वो ज़्यादा होती है। अगर हम लोग इन दोनों को बराबर भी रखते हैं, तो विमेन्स क्या है, यूजुअली हाउस होल्ड प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करते हैं, ऐसा देखा गया है। और यहाँ पे अगर हम मेन की बात करें, तो ये जो बेवरेजेस हैं, हार्ड बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस, वो लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और शॉपिंग करना। जो हमारा बाइंग बिहेवियर है यहाँ पे कैसे चेंज हुआ मेन और वुमेन की बेसिस पे, मेन और वुमेन की बेसिस पे होने के बाद में मेन क्या ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेस, और विमेन्स क्या ज़्यादा भी प्रेफर कर रही हैं, वो कर रही हैं हाउस होल्ड आइटम्स। तो ये हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर हुआ। फिर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर वांट टू प्रोड्यूस दैट रिफ्लेक्ट देयर वैल्यूज, ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। फॉर इंस्टेंस, कंज्यूमर हु वैल्यू नेचुरलनेस, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी विल बी ड्रॉन टू प्रोडक्ट दैट कम्युनिकेट न्यू वैल्यू। जो लोगों के लिए नेचुरल होना या न्यूट्रिशियस कोई भी फूड आइटम हो रहा है, वो लोग अगर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कंपनीज माइट सर्वे कस्टमर एंड फाइंड आउट व्हाट दे लाइक टू डू इन देयर फ्री टाइम एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट टू देम इन लाइफ। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, सर्वे के थ्रू। कंपनीज क्या करती है, सर्वे करती है कस्टमर्स का कि वो अगर अपने फ्री टाइम में है तो वो क्या ज़्यादातर चीज़ें लेना पसंद कर रहा है, क्या उसको कहाँ उसका फ्री टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। तो जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होगी उससे रिलेटेड आप उनका बाइंग बिहेवियर देख सकते हैं, उनकी हैबिट्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनकी चॉइसेस हैं और क्या नहीं है, क्या उनकी लाइक्स और क्या डिसलाइक्स हैं। द मोर अ कंपनी कैन लर्न अबाउट अ टारगेट ऑडियंस लाइफस्टाइल, द ईजियर इट विल बी टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट। जितना आप अपने कस्टमर को जानेंगे, जितना उनकी हैबिट्स या फिर उनकी लाइक और डिसलाइक्स आपको पता होगी, उतना ही अच्छे से आप अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। And displays that connect with the shoppers. इससे क्या हुआ, एक कनेक्ट मेंटेन होता है शॉपर्स और सेलर्स के अमंगस्ट। फिर आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड ऑल प्ले रोल इन कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन। कंसिडर रिसर्च फ्रॉम सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी विच शोज हाउ कंज्यूमर विल लेस लाइकली टू परचेज फैमिलियर आइटम्स इफ दे प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट वर ऑन मेसी शेल्फ बिकॉज दे परसीव देम एज कंटामिनेटेड। साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या कहता है कि ये बेसिकली मोटिवेशन, परसेप्शन और लर्निंग के बेसिस पे होता है। कुछ लोग अगर जो कि आप बोल सकते हैं, अगर किसी की मेसी शेल्फ है और वहाँ कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो उन्हें वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, मतलब डिस्ट्रॉयड है, पुराना है, तो वो वहाँ पर लेना पसंद नहीं करेंगे। ये किस वजह से हुआ कि उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से हुआ कि दैट दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्लिनलीनेस। अगर उनको क्लिनलीनेस नहीं दिखी, तो वो एक आइडिया जनरेट कर देंगे, वो एक आइडिया परसीव करेंगे जिसमें वो लोग सोचेंगे कि ये चीज़ गंदी ही होगी, भले ही वो ना हो, पर उन्हें वो ऐसा उनका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि मॉल्स से ये प्रोडक्ट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय स्ट्रीट शॉपिंग के। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मॉल ज़्यादा कम्फर्टेबल है, वो ज़्यादा क्लीन रखते हैं। अगर कोरोना का टाइम हम लोग देखें, तो भी लोग स्ट्रीट के बजाय मॉल्स के टाइम पे, मॉल्स वाली जगह पर ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ पर ऐसे चांसेस कम हैं जिसमें जर्म्स और ये सारी चीज़ें हों। तो ये बेसिकली उनको मोटिवेट करता है किसी भी प्रोडक्ट के बाइंग में।
उसके बाद में है कल्चर, फैमिली, ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।